अद्वैत एजुकेशन। तो सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्वैत एजुकेशन में। और आज हम करने वाले हैं वीकली तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे डिफरेंट जो चैनल्स है वो यहाँ पर दिए हुए हैं अद्वैत एजुकेशन एस एस सी अद्वैत एजुकेशन ए दोनों चैनल है आप जाके विजिट करिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है Uh, क्या बोलते हैं हमारा टेलीग्राम पेज है है ना और uh, क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका फेसबुक का भी है तो आप जाके यहाँ पर हमको देख सकते हैं फॉलो कर सकते हैं सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी ये हमारे एक्सपर्टीज टीम मेंबर जो हैं देवतीर्थ साहू सर हैं इंग्लिश के लिए मैथ्स के लिए आपके गुरुपाल सर हैं रीजनिंग के सिद्धार्थ सर साइंस के लिए दीपाली मैडम कोमल मैम है आपके हिस्ट्री पॉलिटी एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए मेरे को पता ही है ये आपका जोग्राफी इकोनॉमी और करंट अफेयर्स वो कैब्स के लिए हैं जागृति मैम और अंशु वर्मा सर है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए तो एक बार जाके विजिट करिए सारे फैकल्टीज के लिस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं ठीक आगे हम देखेंगे अगर आप किसी भी स्टेट के ए जे या फिर एस एस सी जेई एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गेट अकेडमी डॉट कॉम इस वेबसाइट को विजिट करिए या फिर हमारा जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हैं यहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएंगी ठीक है तो आज हम शुरू करने वाले हैं इस वीक का करंट अफेयर एक बार देख लेते हैं कौन कौन आ चुके हैं सभी को वेरी गुड इवनिंग कपिल भट्ट सर नमस्कार अंजलि सिंह गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम आकाश गुड इवनिंग सुबोध दादा नमस्कार वेरी गुड इवनिंग नीलम साहू गुड इवनिंग

तो uh, ने कहा कि भाई ये इसको कवर ना करने दिया जाए उन्होंने याचिका दायर की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा माना कर दिया नो no. वो जो न्यूज वाले हैं वो आर्टिकल नाइनटीन के तहत ये चीज ला सकते हैं सेकंड जो न्यूज रहने वाला है वो हमारा है है ना कि हाल ही में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जाता है एम ओ एफ सी सी इन्होंने क्या किया है महाराष्ट्र के पास फेलिंगमो अभ्यारण्य है इसका लोकेशन पर है किसके नाम पर पड़ा है क्या चीज होता है है ना ये आपका ई एस जेड क्या होता है वो सारा देखेंगे अपन इस न्यूज के अंतर्गत ठीक है हमारा जो तीसरा और इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाला है बहुत ज्यादा चर्चा में है ठीक है ब्लैक फंगस आपने देखा होगा क्लियर तो ये एक नया चीज आ गया है कोरोना खत्म नहीं हुआ था बट ब्लैक फंगस करके आ चुका है तो वो क्या चीज होता है किसके कारण होता है वो अपन चर्चा करेंगे हम इस स्लाइड के अंतर्गत हमारा जो नेक्स्ट न्यूज रहने वाला है वो रहने वाला है इलेवंथ मई को हमने मनाया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे ठीक है इसकी अवधारणा क्या थी पोखरण वन क्या था पोखरण टू क्या था ना वो सारा चीज हम देखेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत मस्त डिटेल में पढ़ने वाले हैं परमाणु मूवी का सीन आपको याद आ जाएगा बिल्कुल मजेदार तरीके से फटाफट सेशन को शेयर करते चलिए अपने दोस्तों के साथ ठीक है कितने लोग आ गए हैं चलिए बहुत बढ़िया सभी को नमस्कार गुड इवनिंग सर वेरी गुड इवनिंग आतिश पांडे जी आतिश पांडे सर नमस्कार टीचर हैं हमारे चलिए आगे बढ़ेंगे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज रहने वाला है ना हाल ही में फाइव के जो उपयोग है यानी उसका जो क्या बोलते हैं टेस्टिंग है उसको मंजूरी दे दी गई है अब कुछ लोगों का एक न्यूज एक क्या बोलते हैं र्यूमर्स फैल रहा था कि भाई कोरोना है एंड ऑल ऐसा वैसा फाइव टेस्टिंग से संबंधित उस पर भी अपन चर्चा करेंगे वो सारा चीज को अपन देखेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत अगला जो न्यूज रहने वाला है हाल ही में जी ठीक है जी देशों का है ना इनका जो मिनिस्टर्स जो रहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स यानी फॉरेन मिनिस्टर लोगों का क्या एक हुआ एक वर्चुअल सबमिट हुआ क्लियर उसके बारे में देखेंगे भारत से इसका क्या लेना देना है जी से में कौन आते हैं कौन नहीं आते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाला है हाल ही में अभी महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है कौन थे है ना महाराणा प्रताप क्या उनका ऐतिहासिक परिचय रहा है हल्दी घाटी युद्ध का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा है वो सारा चीज हम देखेंगे इस चैप्टर यानी इस स्लाइड के अंतर्गत तीसरा जो है एस एन डी पी है ना एस एन डी पी ने क्या किया है अभी एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अंतर्गत भारत को रेटिंग दी जाती है क्लियर उस रेटिंग के तहत कितना मिला है हमको ट्रिपल बी अलग-अलग है, है रहने वाला है है ना वो है कि शुक्र ग्रह से यानी वीनस से एक साउंड वेव आया है जिसको नासा वालों ने कैप्चर किया है और उसके आधार पर कुछ रिपोर्ट जारी किया है उस रिपोर्ट में क्या क्या शामिल है वो हम देखेंगे इस न्यूज के अंतर्गत क्लियर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा बहुत रहने वाला है, के जो, है कुछ है, उन्होंने जो बिल्कुल कॉमन रहता है जो नुकसान नहीं पहुंचाता बोल सकते इको फ्रेंडली योगा मैट का क्या क्या इन्होंने एक इनोवेशन किया है ठीक तो वो क्या चीज है किसके लिए फायदेमंद है वो सारा चीज अपन चर्चा करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत क्लियर इसके अलावा बहुत सारा चीज है जो कि वन लाइनर करंट अफेयर के रूप में आता है है ना तो जिनकी जयंती थी जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए रेड क्रॉस दिवस हो गया है ना और तालिबान में हालांकि उसने अभी क्या किया एक अफगानिस्तान में एक बांध पर कब्जा किया उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है अभी हाल ही में है ना चाइना ने एक नया जो क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन जो अभी सिनोफार्म करके आया है उसको अलाउ किया डब्ल्यू के द्वारा वो अपन पढ़ने वाले हैं फिर देखेंगे ठीक गांधी के जो निजी सचिव थे पर्सनल सेक्रेटरी उनका हाल ही में निधन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक अपन देखेंगे D2G है ना सॉरी ये क्या चीज है एक नया ड्रग है जिसको मान्यता दी गई है वो सारा चीज अपन वन बाय वन पूरा ये सारा चीज कवर करने वाले हैं वन लाइनर करंट अफेयर्स के अंतर्गत ठीक है तो चलिए सेशन को फटाफट से शेयर करिए और मैं देख लेता हूँ कितने लोग आ चुके हैं चलिए बहुत बढ़िया अक्षय अंसल सर आज का टॉपिक क्या है टॉपिक मैंने बता दिया है ये सारा टॉपिक खिलेश तिवारी वेरी गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को अक्षय बंसल मैंने टॉपिक आज का डिस्कस कर दिया है ठीक है आज हम शुरू करते हैं यहाँ के पहले न्यूज से चलिए तो फटाफट से सेशन शेयर कर दीजिए लाइक कर दीजिए और लगातार कमेंट करते चलिए तो आज का जो पहला न्यूज रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई का जो एक याचिका था क्या याचिका था कि अगर कोर्ट किसी भी तरह का स्टेटमेंट देता है किस पर ईसीआई पर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भारत के निर्वाचन आयोग पर तो उसको पब्लिक ना किया जाए पब्लिक करने का कार्य कौन करती है यहां पर मीडिया करती है तो मीडिया के खिलाफ क्या किए इन लोग ईसीआई यानी क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ने है ना वहां पे याचिका दायर किया किस पर सुप्रीम कोर्ट पर कि भाई आप ये ये चीजें ना करिए उससे हमारी अवमानना होती है तो केस क्या था वो देखना हाल ही में आपको पता होगा मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर अभी जब इलेक्शन हो रहे थे पांच राज्यों में पांच राज्यों में है ना बंगाल असम तमिलनाडु केरल और पाण्डिचेरी में तो वहां पर क्या हुआ कि जो मिनिस्टर्स थे या फिर बोल सकते जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो किसी भी तरीके का सोशल ढुंडेरा कर रहे थे क्लियर अब होता क्या चीज है कहीं भी जब इलेक्शन होता है ना किसी भी राज्य में या फिर देश में ईसीआई का क्या रोल होता है मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका रोल क्या होता है ये देश में आम चुनाव या फिर राज्यों के जो

कि जो ईसीआई है यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है उस पर मर्डर लगना चाहिए क्यों भाई जब सारी चीजों को आप पोस्टपोन कर सकते हो लॉकडाउन लगा सकते हो सारी चीजें कर सकते हो तो इलेक्शन में इतनी हड़बड़ी क्यों है? अब उसको भी करिए। सारा का सारा जो, जो जिम्मेदारी है वो किसको लेना चाहिए था? सेकंड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है और उस पर मर्डर चार्ज लगाना चाहिए ये सारा न्यूज क्या हुआ वायरल हुआ तो इसके कारण क्या किया गया इन्होंने बोला कि भाई ये सारे चीज ठीक है आपने बोला it's okay, बट ये वाले क्यों छापे इसको ये हमारा अवमानना है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा बोल दिया ये कोई अवमानना नहीं है ये सही चीज है जनता तक बात पहुंचनी चाहिए क्या है और क्या नहीं है ठीक है तो अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि जो ये मीडिया जो कवरेज है वो किसके अंतर्गत आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी प्रेस की स्वतंत्रता और उसके आधार पर क्या कर सकते हैं है ना, नागरिकों की भाई जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं आपको उसके प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा और आर्टिकल जो 19 जो रहता है अनुच्छेद उन्नीस उसके तहत आप किसी भी तरीके कर इन पे पाबंदी नहीं लगा सकते अनटिल एंड अनलेस ये किसी तरीके का राष्ट्र विरोधी हो या फिर देश को तोड़ने वाली चीजें हो तो आप ही बताइए मुझे कमेंट करके क्या ये जो चीज़ है ना मद्रास हाई कोर्ट ने कहा या जितने भी हाई कोर्ट थे उन्होंने जो कहा क्या उनका जो वर्डिंग था वो गलत था क्या ये देश तोड़ने वाली बात थी बिल्कुल नहीं ये बहुत अच्छी बात थी और मुझे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी चीजें समय समय पर चेताना चाहिए ये चीजें बोलनी चाहिए आप अपने व्यूज़ बताइए क्या यह चीज़ सही था या गलत था राहुल लोधी वेरी गुड इवनिंग

तो कमेंट्स आ रहे हैं बिल्कुल सही है यस ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है ये की तरफ से है ना एक हमारा मंत्रालय है जिसका नाम है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ये लंबा चौड़ा नाम है याद रखना कई बार एग्जाम में पूछ देता शॉर्ट फॉर्म में ठीक है क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ई एफ क्लियर तो इन्होंने क्या किया है ठाणे के पास मुंबई के पास एक जगह जिसका नाम है ठाणे अगर आप मुंबई गए होंगे तो ओके वहां पर एक सेंचुरी जिसका नाम है फ्लैमिंगो सेंचुरी क्या नाम है फ्लैमिंगो अभ्यारण्य इसको इन्होंने क्या किया है पर्यावरण संवेदी क्षेत्र मतलब इसको बोला जाता है इको सेंसिटिव जोन क्या बोलते हैं इसको इको सेंसिटिव जोन क्या किया है इसको अधिसूचित किया है यानी नॉमिनेट किया है ओके हम देख लेते हैं कि ऐसा क्या खासियत था या फिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण इसको ये चीज करना पड़ा उसके पहले मैं आपको लोकेशन दिखा दूं अगर आप मुंबई जाएंगे तो ये है आपका मेन मुंबई सिटी इधर है आपका क्या नवी मुंबई याद करिए जब मैंने इंडियन जियोग्राफी पढ़ाया था आपको भारत का भूगोल वहां पर मैंने बताया था ये वाला जो एरिया रहता है यहां पर है ना यहां पर क्या चीज है आपका बॉम्बे पोर्ट है ठीक और इधर जब हम हाँ आएंगे यहां पर है ना तो इधर कौन सा पोर्ट है आपका नावा यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट क्लियर और यहीं पर क्या चीज है आपका यहीं पर हम देखेंगे तो तो एलिफेंटा केव्स है ओके तो ये जो लाइन अंदर घुसती है समुद्र वाली लाइन जो अंदर घुसती है जहां पर बिल्कुल ये छोटा सा नेहरू क्षेत्र है वहां पर पक्षियों के लिए स्पेशली फॉर बर्ड्स ठीक है एक बहुत ही बढ़िया जोन है जिसको बोला गया है ठाणे क्रिक फ्लैमिंगो सेंचुरी यानी क्रिक फ्लैमिंगो अभ्यारण्य क्लियर तो उस क्षेत्र को इन्होंने घोषित किया है इकोनॉमिक सॉरी इको सेंसिटिव जोन जिस पक्षी की मैं बात करूं वो यही पक्षी है अगर आपके स्टेट में या फिर आपके शहर में मैथ्री गार्डन या फिर ऐसा कोई झूल या कोई चिड़ियाघर होगा तो आप जाके देखेंगे तो शायद इस टाइप के पक्षी आपको मिल जाए तो इन्हीं पक्षियों के संरक्षण के लिए उनको इको सेंसिटिव जोन क्या किया गया है घोषित किया गया है अच्छा एक और चीज बता दूं इसको बफर जोन के रूप में क्या किया गया है आइडेंटिफाई किया गया है

और इसमें क्या बोलते हैं आपका नेशनल पार्क में जो सेंचुरी होती है वो जनरली किसी पर्टिकुलर एक जीव को ध्यान में रखकर बनाया जाता है स्पेशली उसका देखरेख किया जाता है नेशनल पार्क जो रहता है वो थोड़ा वाइड रेंज पर रहता है एक बड़े रेंज पे बड़े बहुत सारे जीवों को क्या किया जाता है देखभाल किया जाता है क्लियर तो ये जो सबसे बाहर वाला जो जोन जो रहता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन जोन यहीं पर क्या होता है कुछ मानवीय गतिविधियां भी होती है ह्यूमन सेटलमेंट उसके बाद सबसे अंदर वाला जो रेंज रहता है सबसे अंदर इसको बोला जाता है कोर एरिया कई बार अगर आप घूमने गए होंगे लाइक कान्हा किसली बांधोगढ़ एंड ऑल तो वहां पे देखेंगे प्रतिबंधित क्षेत्र प्रोहिबिटेड एरिया उस एरिया में अलाउ नहीं रहता तो जिस क्षेत्र में घुमाया जाता है दर्शकों को वो जो रेंज रहता है उसको बोला जाता है बफर जोन तो ये जोन भी किसके जोन के अंतर्गत आता है ये बफर जोन के अंतर्गत ठीक है चलिए इसका काम क्या है मानवीय गतिविधियों को कम करना वहां पे जो डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं वो सारे चीजों को क्या करना वहां पे थोड़ा सा अंकुश लगाना ये इसका उद्देश्य है ये इसका एम है है गॉट इट ठीक एक और चीज यह देखेंगे है ना ये मालवन अभ्यारण्य एक और सेंचुरी है महाराष्ट्र में आप मैप खोलिएगा महाराष्ट्र का मैप तो नीचे जब जाएंगे ठीक है गोवा और मुंबई के बीच है गॉट इट ये जैसे कि आप मैप देखेंगे मुंबई का यहाँ पे मुंबई है यहाँ पे गोवा है दोनों के बीच एक जगह है जिसका नाम है मालवैन सेंचुरी उसके बाद ये सेकंड नंबर का ऐसा सेंचुरी है जो कि किससे रिलेटेड है सीधा सीधा समुद्र से है ना समुद्र से मतलब मरीन तो कई बार पूछा जाता है कौन सा समुद्री अभ्यारण्य है कौन सा क्या है जैसे कि आप देखेंगे नीचे मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क है वो भी क्या है आपका मरीन नेशनल पार्क है गॉट इट दूसरा चीज बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार पूछा गया एग्जाम में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसको किसके रूप में माना गया है महत्वपूर्ण तो पक्षी क्षेत्र यानी मैंने स्टडी में बता दिया था ये जो फ्लाइमिंगो है क्या है एक तरीके का बर्ड है और उनके संरक्षण के लिए इसको क्या किया गया है लाया गया है तो ये सारा चीज क्लियर है आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक चलिए थोड़ा सा कमेंट की ओर नजर पड़ते हैं अ आ... शुभम कौशल बायोस्फीयर रिजर्व में इको सेंसिटिव जोन होता है तो उसे में इको और सेंसिटिव जोन इन बर्ड सेंचुरी क्या डिफरेंस है ये देखो शुभम सारा चीज अपन इन्वायरमेंट की क्लास में डिटेल में कराने वाले हैं गॉट इट सर छत्तीसगढ़ में बायो एंड सेंचुरी कौन सी है छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व फिलहाल जो एक है छत्तीसगढ़ में जो है वो आपका अमरकंटक वाला जो, जो जोन है वहां पर है ठीक है और आपकी जो आ, सेंचुरी नेशनल पार्क की संख्या अगर बताएं तो 11 और 3 है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज की तरफ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाला है हाल ही में देखना है ना एक ब्लैक फंगस करके जो रोग है वो पाया जा रहा है क्यों आ रहा है क्या चीज है वो न्यूज में भी बहुत ज्यादा चर्चित में है और इसका जो कारण है वो माना जा रहा है म्यूकर माइकोसिस क्या म्यूकर माइकोसिस तो ये जो साइंटिफिक नाम है वो पूछा जा सकता है वो इस फंगस के कारण हो रहा है कौन सा म्यूकर माइकोसिस उस फंगी का नाम है जिसके कारण ये ब्लैक फंगस जो रोग है वो पाया जा रहा है गॉट इट ये क्यों होता है कैसे होता तो है देख लेते हैं है ना ये कैसा है कवक संक्रमण कवक संक्रमण बोले तो फंगल इंफेक्शन ठीक है फंगल इन्फेक्शन जैसे जर्ली देखना कई बार जो दाद वगैरह होता है आपके बॉडी में है ना या फिर कई बार देखना इचिंग वगैरह हो जाता है खुजली वगैरह जो सब चीज होता है या फिर एकदम चकते पड़ जाते हैं शरीर में निशान पड़ जाते वो सारा किसके उदाहरण है वो सारा का सारा फंगल इंफेक्शन का उदाहरण है तो यह भी उसी प्रकार का है और किसके कारण हो रहे है यानी इसके कारण ये एक ऐसा फंगी है जो इस रोग को क्या कर रहा है उत्पादित कर रहा है या फिर इस रोग का क्या माना जा रहा है जनक माना जा रहा है और यह क्या है एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है इसकी जो अवेलेबिलिटी है एनवायरमेंट में अच्छी खासी मात्रा में कौन से वो लोग हैं जिन पर इनको प्रभावित कर सकता है तो बोला गया कि भाई जिनका इम्यूनिटी पावर कमजोर रहता है जैसे क्या लोग रहते हैं स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर वाले जिनका इम्यूनिटी कमजोर है उनको क्या कर सकता है उनको प्रभावित कर सकता है जो डायबिटीज डायबिटीज यानी शुगर शुगर रोग से अगर पीड़ित है उनको प्रभावित कर सकता है जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है अभी देखना कोरोना जो है जो किडनी ट्रांसप्लांट वालों को उनको भी बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है तो अगर जिनमें ये सारे सिम्टम्स हैं ये सारे जो लक्षण हैं उन लोगों को यह रोग क्या कर सकता है प्रभावित कर सकता है इससे बचने के लिए क्या करेंगे जैसे बैक्टीरिया से बचने बचने के के लिए लिए अपन एंटीबायोटिक लेते हैं वैसे ही इनसे एंटी फंगल मेडिसिन आते हैं वो आप ले सकते हैं बट डॉक्टर की सलाह पर बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको कुछ नहीं लेना है गॉट इट चलिए अब देखो एक तो कोरोना ऊपर से इतना है है ना और एक हमारा इंसान क्या नाम है जिसका सीएम जो पूर्व सीएम था त्रिवेंद्र सिंह रावत वो क्या बोलता है कि कोरोना को भी जीने का अधिकार है वो भी एक प्राणी है आर यू एग्री तो भाई मोदी जी बोले तो बोले क्या बोले कि भाई कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास वाह क्या बात है तो ऐसा तो सीन है यहां पर क्या ही बोलेंगे है ना चलिए बढ़ते हैं फिर आगे हम लोग ठीक है नेक्स्ट जो न्यूज रहने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर क्या है ना हम लोग इलेवंथ मई को ग्यारह ऑफ मई को हमने मनाया नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय तकनीकी दिवस इसमें क्या हुआ सॉरी प्रौद्योगिकी दिवस इसमें क्या हुआ था याद करिए 11 मई को है ना लगभग तीन पैतालीस थ्री फोर्टी को क्या हुआ था भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था ठीक है और उसके बाद से हम विश्व के परमाणु संपन्न देशों में शामिल हो गए थे तो यह क्या चीज था मैं थोड़ा सा पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे लेके चलूंगा है ना कि शुरुआत कहाँ से हुई थी क्योंकि अक्सर लोगों को जब पूछा जाता है कि पहला परमाणु परीक्षण तो लोग 98 पे आ जाते हैं 98 पे नहीं हुआ था उसके पहले भी ये कथा चली आ रही थी तो उस पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं अचानक मार्ग नहीं है अचानक मार अचानक मार है वो वो सब छत्तीसगढ़ का पार्ट है भाई वो सब अपन अलग से करेंगे ठीक है टोटल बायोस्परिजन इंडिया नहीं अपन इंडिया की बात नहीं की थे किसी बंदे ने छत्तीसगढ़ का पूछा था तो मैंने उसको बताया था ठीक है ओके यस चलिए आगे बढ़ते हैं है ना तो सबसे पहले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा कौन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है ना ये किन के टाइम थे है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम थे और उन्होंने सबसे पहले इस ओर यानी इस दिशा में क्या किया कदम उठाया गॉट इट और साथ ही साथ वो बोले कि भाई ये जो हम कार्य कर रहे हैं वो शांति मिशन के लिए कर रहे हैं मतलब ये कोई स्पेशल हमको क्या बोलते हैं किसी को मारना है या ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बनाना है वो सारा चीज नहीं करना है अपन किसके लिए कर रहे हैं एक पीसफुल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो उस समय है ना उस समय एक ट्रीटी हुआ करती थी जिसको बोला गया था एनपीटी क्या बोला जाता था उसको एनपीटी जिसका फुल फॉर्म क्या होता है यहां पर लिखा है न्यूक्लियर नॉन ट्रीटी मतलब उसका मतलब यह है कि गैर है ना अप्रसार संधि इसके अंतर्गत आप क्या नहीं कर सकते किसी भी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते किसी भी तरीके का परमाणु हथियार नहीं बना सकते और ये जो अधिकार था मतलब ये जो राइट था वो यूएन UN के यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के जो फाइव परमानेंट मेंबर थे तो कौन कौन पे अभी भी उन्हीं लोग हैं है ना यूनाइटेड स्टेट अमेरिका सोवियत संघ ऑफ रशिया ठीक है चाइना इंग्लैंड और फ्रांस इन पांचों के अलावा बाकी जो दूसरी कंट्रीज हैं वो ये सारा चीज टेस्ट नहीं कर सकते थे अगर आप करोगे तो लगातार उस पर क्या बताया जाएगा उस पर दबाव बनाया जाएगा वैश्विक रूप से उस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो ये सारा चीज किया जाता था तो भारत ने सोचा कि हम इसको है ना लड़ाई या फिर इस युद्ध के पर्पज से नहीं करेंगे शांतिपूर्ण कार्यो के लिए जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर एंड ऑल है पावर्स है उसके लिए हम करेंगे तो ये सबसे पहले अवधारणा लाई गई थी डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के द्वारा अगर मैं बात करूं और एनसीएट में तो कई बार पूछ जाता है कुछ एग्जाम में ठीक है कि भारत के या फिर बोल सकते दुनिया के सबसे पहले है ना परमाणुवाद के जनक कौन थे ठीक है फाउंडर कौन थे तो माना जाता है कि महर्षि कणाद याद रखना इसको ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो मैं बता रहा हूं किसे किसे पूछा गया है कौन थे परमाणुवाद के जो जनक थे वो थे आपके महर्षि कणाद उसके बाद क्या हुआ नाइनटीन में उन्नीस में जब आए क्लियर तो है ना इंदिरा गांधी ने क्या किया कि अलाउ किया कि चलो ठीक है अपन एक मिशन करते हैं और उन्होंने एक जगह चूज किया जिसका नाम था राजस्थान का पोखरण क्लियर और वो जो दिन था वो था आपका एटीन मे यानी अठारह मई 18 मई का जो दिन था विशेष रूप से माना गया था कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा भी था क्लियर तो उन्होंने एक कोड तैयार किया था कि अगर टेस्ट सक्सेस रहा तो आप कहना कि यस है ना बुद्ध इज लाफिंग यानी बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। तो कि है ना चीज हमने दुनिया को बताया और ये भी, सांथ ये भी कहा कि बुद्ध जो है शांति का प्रतीक है क्लियर बुद्ध जो है वो शांति का प्रतीक है और हमने इसको शांति के लिए ही क्या किया इस मिशन को अडोप्ट किया है इस जो टेस्ट है उसको हमने किया है किसके लिए शांतिपूर्वक कार्यों के लिए ना कि किसी विध्वंसक प्रयासों के लिए फिर क्या हुआ 1998 1998 में ठीक है अच्छा उसके पहले भी देखो इंदिरा गांधी तो चली गई 74 के बाद ये केस यहां पे खत्म हो गया है ना जब 91 में आपके पीवी नरसिम्हा राव आए क्लियर तो उन्होंने भी कोशिश की कि ये सारी चीजें की जाए बट किसी न किसी राजनीतिक दबाव के कारण ये टल गया फिर क्या हुआ 98 में चुनाव हुआ जैसे आपको सभी पता है पहले तेरह दिन के लिए फिर तेरह महीने के, के लिए फिर बाद में फाइव ईयर के लिए है ना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम बने तो जैसे ही ये थर्टीन डेज के लिए जब बने थे नाइनटी एट में जिस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला तो बोले कि यार हमको कुछ नहीं सुनना है उस समय डीआरडीओ के चीफ और इनके जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है ना कौन थे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम तो इनको बोला गया कि एनी हाउ यू हैव टू डू टेस्ट ये आपको टेस्ट करना ही है तो तीन संस्थान थे कौन कौन से याद रखिएगा है ना एक था आपका डीआरडीओ क्लियर एक था आपका बार्क और एक था आपका ए एम डीईर इनको बोला गया इनको सारी चीजें दी दे गई देखो ये जो तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी आपको बता दूं मैं ठीक है मूवी भी आई थी परमाणु उसमें भी आप देख सकते हो वहां पर भी दिखाया गया था हालांकि कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा दिखा दी जाती है बट कुछ फैक्चुअल चीजें भी वहां से दी गई थी तो इनकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी और बोला गया था कि आपको ये टेस्ट किसी भी हालत में कंप्लीट करना है अब समस्या क्या आ रही थी ऑलरेडी अमेरिका है ना वहां की एक एजेंसी जिसका नाम है CIA क्लियर क्या नाम है CIA जिसको बोला जाता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी तो उन्होंने क्या किया था ऑलरेडी भारत पर नजर रखा था कि ये सारी चीजें वो ना करे. भारत मतलब दूसरे देशों पर भी नजर रखा था कि ये सारी चीजें यानी न्यूक्लियर टेस्ट वाली चीजें वो ना करें तो इन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला इन्होंने क्या किया एक कैमोफ्लॉज करके होता है जिसको अपन बोलते हैं जो सैंड वाला एरिया रहता है वहां पर एक विशेष प्रकार की जालियां पाई जाती हैं अगर उस जाली को आप ऊपर से ढकोगे जहां पर आप कार्य कर रहे हो वहां पर अगर आपने ढक दिया तो सैटेलाइट उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता थोड़ा सा मुश्किल होता है मतलब आप उसके अंदर क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो आसान काम नहीं होता दूसरा चीज क्या होता था इन लोग क्या करते थे रात में कार्य करते थे ज्यादातर क्योंकि डे लाइट में क्या हो रहता था सैटेलाइट इजीली वॉच कर सकता था रात में थोड़ा सा क्या होता था दिक्कत होता था वॉच करने में तो ज्यादातर काम इन लोग रात में करते थे तीसरा इंपोर्टेंट क्या था जितने भी साइंटिस्ट हुआ करते थे इन लोग कौन से कौन से वेशभूषा में आते थे इन लोग आते थे आर्मी के यूनिफॉर्म में क्यों ताकि जब वो सैटेलाइट कैच करे तो ये ना लगे कि वहां पे वो सिविलियंस आ रहे हैं तो ऐसा बड़े मशक्कतों के बाद फाइनली क्या हुआ ऑफ मई को है ना ग्यारह मई को ठीक है तीन बजकर लगभग पैंतालीस मिनट पर पहला टेस्ट हुआ और तुरंत ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि यस वी आर द न्यूक्लियर कंट्री हम भी परमाणु शक्ति से संपन्न एक राष्ट्र हैं गॉट इट और इसका नाम क्या दिया गया था ऑपरेशन शक्ति जो आपका पोखरण वन था वो क्या था स्माइलिंग बुद्धा और जो पोखरण टू था वो था आपका ऑपरेशन शक्ति इसमें दो टाइप के जनरली जो आ, क्या बोलते हैं न्यूक्लियर डिवाइस यूज किए गए थे थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस्यूक्लियर था और सेकंड था आपका न्यूक्लियर बम यानी विखंडन जब ये हुआ है ना तो ऐसा माना गया कि बहुत सारे जो क्षेत्र थे वहां से रिलेटेड पोखरण के आसपास बहुत तेज भूकंप टाइप से फीलिंग हुई लेकिन बाद में कंफर्म किया गया सारे न्यूज चैनल्स के द्वारा कि भाई कोई भूकंप या अर्थ नहीं था ये क्या था हमने टेस्ट किया है मिसाइल टेस्ट किया है और वो सक्सेसफुल रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग साथ ही साथ इसी दिन यानी 11 मई को भारत ने पहला इसका इंडिजिनियस यानी पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट हंसा थ्री को भी क्या किया था लॉन्च किया था तो उसकी याद में भी क्या किया जाता है इस डे को यानी इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है अगर मैं बात करूं ठीक है 2021 के थीम के इस दिवस की तो थीम क्या रखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर क्लियर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर कई बार पूछा जाता है कुछ एग्जाम्स में कि इस वर्ष का या इसी किसी से रिलेटेड इसका थीम क्या था तो ये सारा जो फैक्टुअल डेटा है वो अपन याद रखेंगे ठीक है बढ़ते हैं थोड़ा सा कमेंट सेक्शन की ओर चलिए ठीक है यहां तक क्लियर है सभी को आगे बढ़े फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी करेक्ट है ओके okay. अक्षय बसल जी सारा चीज यहां पे हम नहीं करा सकते आप अलग से जो क्लासेस रहेंगी आप वहां पे पूरा कराया जाएगा उसके लिए निश्चिंत रहिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वेरी गुड चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे ये जो मूवी की मैं बात कर रहा था है ना बहुत से लोगों ने आपने देखा ही होगा नहीं देखा तो एक बार देख लेना थोड़ी सी इंटरेस्टिंग मूवी है इसमें अच्छा चीज दिखाने की कोशिश की गई है ओके okay, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, है ना हाल ही में भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने ठीक है दूरसंचार विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जिसको डीओटी बोला जाता है इसने 5G जो टेक्निक है जो हमारा मोबाइल या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में यूज होता है तो 5G जो टेक्निक है उसके टेस्टिंग के लिए क्या कर दी है मंजूरी दे दी है उसके परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है मैं सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर कर दू है ना एक आप लोगों को र्यूमर्स आ रहा होगा व्हाट्सएप मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हुआ था पिछले साल भी हुआ था इस साल भी हुआ था उसमें क्या बोला जा रहा था कि फाइव टेस्टिंग के कारण कोरोना आ रहा है और उसके कारण लोग मर रहे हैं मतलब कोई लॉजिक है इस बात का आप सोचिए कि वो कोई फाइव जी टेस्टिंग हो रहा है वहां से इंसान मर रहा है मतलब इतने सारे जो डॉक्टर्स और बड़े बड़े हमारे साइंटिस्ट बैठे हैं वो तो बेकूफ़ है ना उनका तो कोई रोल ही नहीं है और सीधी सी बात है अगर ऐसा कुछ मैसेज रहता या ऐसा कोई चीज रहता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है चलो ठीक है भारत सरकार नहीं कर रही तो डब्ल्यू एच ओ बैठा है इतने सारे संस्थाएं बैठी हैं वो तो बताते हैं ना भाई कि ये सारी चीजें हो रही हैं आप इससे अवेयर रहिए और ये सर रहता तो क्यों करते हैं उन लोग तो र्यूमर्स पे ध्यान नहीं देना है अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है है ना ये जो न्यूज था वो गलत था पीआईबी जो होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया उसके फैक्ट चेक पेज में आप जाइए जितने भी र्यूमर्स रहते हैं की चीजें रहती है उसको वहां पर बताया जाता है कि नहीं क्या सही है क्या गलत है तो ये बिल्कुल गलत था इस पर कोई लेने देना नहीं था ठीक है रोहन पटेल गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग किम जोंग अरे क्या बात है नॉर्थ कोरिया के हमारे प्रेसिडेंट जुड़ गए हैं क्या चलिए बहुत बढ़िया ठीक है सोनी क्लियर है सर बढ़िया ओके वेरी गुड इवनिंग सभी को चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग हाँ तो ये जो क्या बोलते हैं आ, इंडिया लेकर आया है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है याद रखना चाइना का है ना क्या क्या था एक का हुआ और जे नाम अजीबोगरीब रहते हैं याद रखना क्या नाम था इसका हुआ और जेटीई ये जो कंपनियां थी यहाँ पर है ना फाइव टेस्टिंग के लिए लगभग अपना पकड़ बना चुकी थी लेकिन उसको हटाया गया है ना तो बोला गया भाई चाइनीज लोग तुम इसमें कॉम्पिटिट नहीं कर सकते तुम यहां भी कॉम्पिटिट नहीं कर सकते अब जो 5G आया है उसको बोला गया कि भारत की जो तीन प्रमुख निजी कंपनियां हैं और अगर सरकारी कंपनी रही तो रही तो मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि उसका समझ रहे हो आप लोग है ना मुझे बोलने की जरूरत नहीं है सब चीज प्राइवेटाइज किया जा रहा है जैसे ऑल अगर वो ना रहा तो केवल तीन आपकी जो देसी कंपनियां बचेंगी तो उन लोग इस चीजों का क्या करेंगे नियंत्रण करेंगी फोर और फाइव में अगर डिफरेंस समझना है तो कोई खास नहीं है बस आप देखिए यहां से आपको समझ आ जाएगा दिस इज योर फाइव जो मेम्स देखते हैं उनको पता ही होगा फोर जी मतलब अगर आप किसी कार्य को करने में डेटा जो आपका है, है ना नेट की अगर स्पीड की अगर मैं बात करूं सपोज वो फोर हंड्रेड एमबीपीएस है या फिर लेके चल तो सपोज हंड्रेड एम बी पी एस है ठीक है तो फाइव जी आने के बाद वही टेन टाइम्स फिफ्टी टाइम्स वो, वो ज्यादा हो जाएगा इसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट रहती है स्पीड रहती है वो आपको जीबी में मिलने वाली है क्लियर अभी ये रिविल नहीं किया गया है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी मिलेगी बट यस yes, जितने भी स्पीड है आपकी 4G से उससे बहुत ज्यादा मिलने वाला है और स्पेशली ये सब किसमें यूज होने वाला है जो काम आएगा आपका मोबाइल बैंकिंग वगैरह हो गया क्लियर है अगर मैं हेल्थ केयर की अगर बात करूं ठीक है वहां पर भी आपको स्पीड बहुत ज्यादा चेय रहती है इन सर मतलब आप मान के चलिए जितने भी टेक्नोलॉजी वाली चीजें जहां पर हाईफाई स्पीड चाहिए बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए उस पर सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा साथ ही साथ -सांत रिसर्च और डेवलपमेंट के प्रोग्राम में भी क्या करेगा ये हमको हेल्प करेगा तो सीधी सी बात है फाइव आएगा मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा गॉट इट चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला जो न्यूज रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट है आई से रिलेटेड है है ना जी सेवन के जो देश हैं उनके एक्सटर्नल अफेयर्स यानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग हैं यानी विदेश मंत्री हैं उनका क्या हुआ मीटिंग हुआ कहां पे लंडन यानी यूके में यूके में क्या हुआ मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के तहत कुछ जो पर्यवेक्षक देश थे या फिर कुछ नेबर कंट्रीज थे या फिर बोल सकते हैं कुछ है ना मित्र देश थे उनको क्या किया गया उनको भी शामिल किया गया हमारे यहाँ से जो एस जयशंकर जी हैं है ना वो हैं विदेश मंत्री उन्होंने वर्चुअल तरीके से वर्चुअल मतलब जैसे हम आप और हम वर्चुअल तो कि तो आपके सामने है ना कौन कौन सा कैनेडा है फ्रांस जर्मनी आप मुझे कमेंट करके बताइए ये पहले जी हुआ करता था क्लियर पहले ये जी हुआ करता था लेकिन अभी जी हो गया वो आठवां देश कौन है जो निकल गया फर्स्ट कमेंट करके बताइए मुझे फिलहाल मैं सात देशों की बात कर रहा हूं तो यहां पर सात देश कौन कौन सा कनाडा है फ्रांस है जर्मनी है जर्मनी में पीएम या फिर प्रेसिडेंट नहीं होता क्या बोला जाता है वहां पे चांसलर बोला जाता है याद रखना क्या बोलते हैं चांसलर क्लियर इटली है जापान है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके और है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ये इंग्लैंड और यूके में कंफ्यूज मत हो ना बहुत डिफरेंट यूनाइटेड किंगडम मतलब यूनाइटेड चार अलग अलग देशों से मिलकर बना है Kingdom, like वो आठवां देश कौन सा था एट कंट्री जल्दी से बताइए फास्ट कमेंट आठवां देश कौन सा था ना? जो कि इसमें यस कमेंट्स आ रहा है रशिया आई थिंक पाकिस्तान नो अक्षय पाकिस्तान आपको लगता है जब इंडिया जैसी कंट्री नहीं आई है तो पाकिस्तान को कहा लेंगे यार पाकिस्तान नहीं बात भी सही है चलिए अक्षय आने वाले दिनों में फाइव जी टेस्टिंग तीनों कंपनियों का हो सकता है हाँ, बिल्कुल, तीनों कंपनियां ही कहेंगी ठीक है बेस्ट एग्जाम्पल थैंक यू सो मच शाश्वत गुड इवनिंग सभी को यस रशिया इज द करेक्ट आंसर पहले रशिया था ब्राजील नहीं है ना याद रखना रशिया पहले था उसके बाद कुछ कारणों से ये अलग हो गया ठीक है अगर मैं बात करू तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1975 में 1975 में क्या था रीजन जैसे कि यह हुआ आपका ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस यानी आपके राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए है ना इंटरनेशनल सिक्योरिटी ठीक है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा के लिए क्लियर और एनर्जी पॉलिसी यानी जो ऊर्जा नीतियां हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए क्योंकि ये जो बड़े देश हैं है ना रशिया तो फिलहाल अभी नहीं है जब उस समय हुआ करता था तो ये जो देश हैं वो लगभग आधे देश के, के एक जीडीपी के इक्वल यानी विश्व में जितने अन्य देश हैं उनके जीडीपी के लगभग आधे के बराबर इन लोग शेयर करते थे मतलब एक बहुत बड़ा क्या रहता था वेटेज रहता था क्लियर अभी भी वो चीज है साथ ही साथ ये जो अभी ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका इन लोग क्या करेंगे जी सेवन का जो मेन सम्मिट होना है ये जो सम्मिट मैंने बताया ये क्या था उनके विदेश मंत्रियों का था और इनका जो बड़ा जो सम्मेलन होना है वो भी कहां पे होगा आपका लंदन में ही होना है यूके में कब होगा जून में होगा लगभग 11 से 13 जून के आसपास तो वहां पर ये जो देश है ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका ये वहां पर सम्मिलित होने वाले हैं एक और चीज बता दूं आपको इंपॉर्टेंट डेटा है वो जी की कंपैरिजन में मतलब उसको टक्कर देने के लिए है ना ब्रिक्स करके भी क्या किया था एक फॉर्मेशन किया गया था एक ऑर्गेनाइजेशन का क्योंकि ये वो कंट्रीज थे जो कि जी सेवन में नहीं है अब ब्रिक्स में कौन कौन आते हैं देख सकते हैं बी फॉर ब्राजील आर फॉर रशिया आई फॉर इंडिया सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका मतलब डेवलप्ड कंट्रीज के बाद जो थोड़े डेवलपिंग कंट्रीज थे और जो विश्व में अपना दबदबा रखते थे उन लोगों ने आपस में मिलकर कि भाई चल ठीक है तू अपना अलग तो हम लोग अपना अलग करके इन्होंने क्या किया एक संगठन बनाया और ये भी कही न कहीं ना कहीं चाइना आने के कारण देखो जहां जहां चाइना रहेगा वहां वहां काड़ी करेगा वो क्लियर तो उसके कारण कुछ ना कुछ ये अभी इसमें विवाद चल रहा है ठीक है आगे हम देखते हैं कि भारत को अलग अलग वर्षों में भी इनवाइट किया जाता है 2020 में भी इनको इनवाइट किया गया था लेकिन पैंडमिक के कारण जो अभी लगातार आप देख रहे हो कोविड 19 चल रहा है उसके कारण भारत ने इसमें जाने से मना किया और ये संपन्न नहीं हो पाए वर्चुअल तरीके से जो भी चीजें थी वो की गई थी दो से दो के बीच भी भारत ऑलरेडी है ना इसमें क्या हुआ है इसमें शामिल हो गया है ठीक है तो ये उतना पुराने डेटा नहीं पूछेगा बट जो रिसेंट डेटा वो याद रखना क्या क्या चीजें हैं वो पूछा जा सकता है क्लियर दीपाली पांडे मैम आ चुकी हैं हेलो मैम वेरी गुड इवनिंग हवा माइन आज बहुत लेट आ रहे हो लग रहा है <laughs> अपने असली नाम बता दो भाई सभी मुझसे पूछते हैं कौन है हवा माइन करके ठीक है रोहन पटेल रशिया ठीक है करेक्ट आंसर है चाइना के कारण दुनिया में कोरोना हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो अब चाइना ही सारे फसादों की जड़े तो क्या बोलोगे है ना बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंडिया चाहती नहीं है कि वो इन्वॉल्व हो करके बट क्या करें हमारी भी मजबूरी है कुछ रूल्स रहते हैं ट्रेड्स है है ना उन सब चीज के कारण हमको आना पड़ता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज रहने वाला है थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से है महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई गई है और उनके जयंती पर है ना देशवासियों द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है चलिए तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे ये कौन थे महाराणा प्रताप जो थे है ना इनका जन्म होता पंद्रह सो चालीस ऑफ मे को कुंभलगढ़ में ये कहां पर है सीधी सी बात है गढ़ मतलब जो किलो का जो शहर या स्टेट है वो है राजस्थान राजस्थान में हुआ था ये कौन थे राणा उदय सिंह द्वितीय कौन राणा उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे एल्डरसन थे सबसे बड़े पुत्र थे ठीक है और इनके बचपन का नाम था किक्का याद रखना इनके बचपन का नाम था एक किसी एग्जाम में पूछा गया था मुझे याद नहीं है अगर वो पेपर मिलेगा तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा यहां पर डालूंगा ये मैं नेक्स्ट चीज से करने वाला हूं जितने भी एग्जाम्स में अगर पूछे जाते हैं देखो करंट के साथ क्या होता है भाई करण तो हम हाल फिलहाल का पढ़ते हैं तो अपन ये नहीं बता सकते ना कि एकदम रिसेंट तो कोई एग्जाम हुआ नहीं रहता जैसे अगर मैं पिछले वीक कल आ रहा हूँ कुछ न्यूज तो ऐसे रहते हैं जो आज रात में हुए रहते हैं या फिर आज मॉर्निंग में हो रहे हैं उसको लेके आता हूँ तो वो तो उस पे तो न्यूज पे तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं तो अपन इसीलिए क्या करते हैं एम एन ए लेके आते हैं मंथली न्यूज एनालिसिस वहां पर आपका सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है आप मुझे एक कमेंट में एक चीज करके बताइए जैसे मैंने लास्ट टाइम एम एन ए में है ना इस बार भी अपन लेके आने वाले बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था उसमें अपने दोस्तों को भेट करिए मंथली न्यूज एनालिसिस पूरा फॉर्म में होगा मतलब पूरे एमसीक्यूज रहेंगे आप कमेंट में बताइए मुझे क्वेश्चन प्लस या थर्टी फाइव के अराउंड क्योंकि लास्ट टाइम लेके आया था लगभग पैतीस क्वेश्चन थर्टी फाइव ठीक है सेशन लगभग गया था एक घंटे बीस मिनट समथिंग अपन एक घंटे तीस मिनट पैंतीस मिनट समथिंग एक्सटेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं फिफ्टी क्वेश्चन तो प्लीज फिफ्टी कमेंट करिए चाहते हैं थर्टी फाइव तो थर्टी फाइव कमेंट में बताइए तो उस हिसाब से मैं प्लानिंग करके लाऊंगा ऋतिक कुमार का बोलना है हैं फिफ्टी प्लस ठीक है बाकी लोग बताइए मैं देख के आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा उसके अकॉर्डिंग फिर मैं प्लान बनाऊंगा क्योंकि ज्यादा दिन नहीं रह गए एक और करंट अफेयर आएगा उसके बाद अपन इसको शुरू करेंगे तो कमेंट्स आ रहे हैं अक्षय बसल ने भी कहा है फिफ्टी प्लस ठीक है बाकी लोग करिए मैं तब तक आगे बढ़ता हूँ फिर अपन बताएंगे इसको जल्दी से बताइए दो ही लोग का कमेंट आ रहा है कलाकार फिफ्टी क्या बात है क्या बात है वाह वाह सबके सब फिफ्टी में चलो बहुत सुंदर बहुत बढ़िया ठीक है ठीक है फिफ्टी प्लस लेके आएंगे लेकिन भाई आपको भी हवा अबाइन ने भी कहा है प्लस अंजलि मैम ने भी कहा है शासव सोनी राहुल लोधी रोहन पटेल कलाकार बहुत बहुत ऐसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए थैंक यू सो मच बट एक चीज प्रॉमिस करिए शुरू से तक आपको बने रहना है मैं यहाँ से वॉच करूंगा ठीक है और नहीं करोगे तो आपको भी चाइना टाइप करना पड़ेगा मुझे क्लियर चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं तो ये किनके पुत्र थे उदय सिंह द्वितीय के पुत्र थे जिनके बचपन का नाम था कि क्या नाम था किक्का क्लियर और इन्होंने मतलब कौन महाराणा प्रताप ने अपना जो शपथ है ना जो बोल सकते हैं यहां पर शपथ ग्रहण तो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अभी के समय होता है जो हुआ था उनका वो कहां पे हुआ था वो गोगुंडा के किले में हुआ था ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है गोगुंडा का किला क्या है राजस्थान में वहां पर हुआ था साथ ही साथ इन्होंने पहले कुंभलगढ़ को फिर चावांड को क्या बनाया था अपना राजधानी बनाया था

इंडियन जियोग्राफी में भी मैं यहाँ पे अभी कराने वाला हूँ बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ देखिए करंट अफेयर इतना तो मदेदार सब्जेक्ट है सारा जो सब्जेक्ट रहता है उसको कोरिलेट कर लेता है अपने में समाहित कर लेता है बिल्कुल आपको भी उसी तरह से बनना है तो ये जो रेंज आपको दिख रहा होगा ये देखिए ये पहाड़ है बड़ा सा क्लियर ये इधर एक बड़ा सा पहाड़ है है ना अब आप समझिए यहां से अगर कोई दुश्मन अच्छा ये जो नैरो कैसे रहता था यहां पे मैं थोड़ा सा एक व्यू बता दूं आप लोगों को कहानी तो आपने बहुत सुनाया पढ़ा होगा आज मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा काश यहां पर कुछ रिमोट सिस्टम ऐसा होता कि मैं वहां पे चला के दिखा सकता बट डोंट वरी आपको वो चीज मैं फील कराता हूं इसी को मैं यहाँ पे व्यू बना देता हूँ ये ऐसा कुछ था हल्दी घाटी क्लियर है यहाँ पे ये टॉप शिखर हो गया ये इधर ये टॉप शिखर हो गया ऐसा टॉप था इधर से आ रही थी दुश्मन सेना चलो इसको अपन रेड में बना देते हैं दुश्मन सेना को इधर से आ रही थी दुश्मन सेना ठीक है और यहां पे जैसे ही आई ये जो नैरो एरिया है एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं आप लोग भीड़ में बहुत सारे लोग चल रहे हो लगभग पचास साठ लोग ऐसे चल रहे हो बिल्कुल पैरल अब अचानक एक छोटा सा पुल आता है बिल्कुल संकरा पुल समझिए ये ऐसा रोड है एक संकरा पुल आता है अब पुल में आने के बाद पता चलता है कोई आपके ऊपर पत्थर बरसा रहा है कोई तीर कमान चला रहा है तो आप कैसे करोगे

एलिफेंट रिटर्न तो जब हाथी लोग बैक करना शुरू किए दुश्मन सेना को तो अपनी सेना को ही रोनते चले गए ये सीन बहुत अच्छा हो रहा था कि अचानक क्या होता है इधर महाराणा प्रताप वाले जो रेंज रहता है इस साइड मतलब इनके जो आर्मी वाले लोग रहते हैं उन लोग धीरे 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 क्या करते हैं पता चलता है कि दुश्मन वापस भाग रहे तो उस उसपे एक साथ टूट पड़ते हैं अब चूंकि इनकी संख्या कम थी किनकी महाराणा प्रताप की संख्या कम थी यानी उनके सेनाओं की संख्या कम थी मुगल्स लोग लोग थे है ना उन लोग क्या लेके बैठे थे पहले से इनका एक प्लान रहता है अगर ये लोग यहाँ पे है अगर फेल हो गए तो यहाँ पे एक और बैठेंगे जिनको बैकअप बोला जाता है क्लियर है अब उस समय तो व्हाट्सएप था नहीं बोल सकते लोकेशन सेंड करो भाई कहाँ पे है चलो मैं आता हूँ दौड़ के व्हाट्सएप तो था नहीं तो क्या किए उन लोग यहां से एक एक लोग इनके पास एक फास्ट घुड़सवारी हुआ करती थी उन लोग दौड़ के जाके बताते थे कि ये ये सीन है ऐसा ऐसा सीन है करके अचानक यहाँ पर बारिश होती है है ना बारिश होने के बाद इनका एक घोड़ा था महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिनका नाम आप बताएंगे कमेंट करके जल्दी से बताइए फास्ट महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था जल्दी से बताएंगे फास्ट मुझे है ना तो उनका जो घोड़ा था वो पार करता है और बारिश होती है और अंततः इनकी जो सैनिक की संख्या थी वो क्या रहती थी थोड़ी सी कम रहती है और फाइनली इन लोग क्या करते हैं वो जो हार बोला जाता है कि लड़ाई हार गए थे बट हारे नहीं रहते ये जो लड़ाई लड़ी रहती है ये अपना जो पर्टिकुलर क्षेत्र रहता है उसको उन लोग गवा बैठते हैं और वहां पर जो मुगल सेनापति है है ना मुगल सेनापति कौन था याद रखना ये बहुत ही अद्भुत लड़ाई थी क्यों क्योंकि इस लड़ाई में जो महाराणा प्रताप थे जो एक हिंदू वॉरियर थे उनके जो सेनापति थे वो एक मुस्लिम थे हकीम सूर खां बोला जाता जिनको है ना और इधर जो मुस्लिम जो थे यानी जो अकबर था उनका जो सेनापति था वो हिंदू था जिनका नाम था मानसिंग क्लियर मान सिंह ये इनका कौन था सेनापति था और वो क्या कर रहा था इसको मतलब इस सैनिक को नियंत्रित कर रहा था तो ये बहुत ही अद्भुत लड़ाई थी और इसके बाद महाराणा प्रताप क्या करते हैं वापस चले जाते हैं आपने सुना होगा कि जंगल में घास की रोटी खाते हैं स्ट्रगल करते हैं लेकिन वो कभी हार नहीं मानते कमेंट्स आ चुका है चेतक यस अक्षय बसल कार्तिक नहीं कार्तिक नहीं नाम था जी हकीम खान हाँ, अफगानी था बिल्कुल सही बोल रहे हो आप उनके घोड़ा का नाम था चेतक करेक्ट यस ठीक है, मान मुगल आर्मी, यस, करेक्ट, है ना तो ये सारा चीज था किसके बारे में हल्दी घाटी लड़ाई के बारे में बहुत ही फेमस लड़ाई थी अच्छा एक और चीज पूछा जाता है गोरिल्ला युद्ध गोरिल्ला वार अभी मैंने बताया ना गोरिल्ला वार में क्या किया जाता है कॉम्बेट वॉर नहीं होता डायरेक्ट वॉर नहीं करते क्या करते हो आप लोग भी बचपन में क्यों आपका फ्रेंड जा रहा है पीछे से लगाए उसको चुपचाप निकल लेते थे, थे खिसक लेते थे तो उसी को क्या बोला जाता है गोरिल्ला वार इसमें क्या होता है आप सामने वाले को घायल कर दो घायल करने के बाद क्या होगा वो दूसरा आदमी को बुलाएगा क्योंकि घायल अवस्था में सैनिक को नहीं लड़ा जाता अभी की कंडीशन में अभी भी जो लड़ाइया होती है री बोला जाता है जिसको ठीक है डिफेंस सर्विसेज का अगर एग्जाम कर रहे हो तो है ना मैं डिफेंस का भी एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूँ वहां पर मैं पढ़ाऊंगा अगर आप किसी भी सैनिक जो रहते हैं जब वो घायल होते हैं तो उनको क्या किया जाता है उनको

Uh, क्या बोलते हैं श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने ये चीज बताया आगे बढ़ते हैं एस एन डीपी स्ट्रॉन्ग एंड पुअर ठीक है एस एनड पी स्ट्रॉन्ग एंड पुअर इन्होंने क्या किया ग्लोबल रेटिंग अनुसार भारत को अभी ट्रिपल बी का क्या दिया है एक रेटिंग दिया है अब ये जो बोला गया है कि कोरोना था कोविड था पैंडेमिक का माहौल था उसके बावजूद भारत ने क्या किया ये रैंक क्या किया हासिल किया क्या होता है इसमें जो सबसे बड़ी जो रेटिंग रहती है है ना वो क्या होता है ट्रिपल ए और सबसे जो कम रेटिंग होती है वो होती है डी अब देखो ये जो रेटिंग होता है हो सकता है आप लोग को समझना होगा सर ये रेटिंग से क्या होता है क्या नहीं होता तो सीधी सी बात है जिस कंट्री की रेटिंग हाई रहती है हाई बोले तो ट्रिपल ए रहती है उस कंट्री में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं क्लियर है मूडीज जैसी संस्थाएं जारी करती हैं और उनको क्या करती हैं इन है पर रिपोर्ट लाती हैं अपना कि आप इस कंट्री में निवेश करिए इसमें ना करिए तो जिसका जो रेटिंग है ऊपर है यानी ट्रिपल ए रेटिंग है वहां पर माना जाता है कि भाई वहां पर कंडीशन जो एनवायरमेंट तो बहुत बढ़िया है अब वहां बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए निवेश करिए फायदा उठाइए जिस कंट्रीज में डी है जैसे कि नॉर्थ कोरिया क्लियर वहां कोई जाना चाहेगा क्या वहां एक बार जो गया सोचेगा भाई मैं तो दोबारा वापस नहीं आ सकता है ना अफ्रीकन कुछ कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा गरीब कंट्रीज हैं वट एवर द रीजन बट उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है उन सबको में रखा जाता है डी में जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा गेन नहीं कर सकते जहां पर इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा होगा उन कंट्रीज को लिखा जाता है ए ट्रिपल ए वाले ग्रुप में ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक हाल ही में अभी नासा ने क्या किया एक सर्च किया है ना एक रेडियो तरंग जो कि कहां से मिल रहा था शुक्र ग्रह से जिसको बोला जाता है विनस और वो जो लाया उसके आधार पर हमने एक नया डाटा कलेक्ट किया एक नया डाटा प्राप्त किया है वो डाटा क्या था अच्छा जब ये चीज आप देख रहे होगी तो आपको एक सीन याद आ रहा होगा ये वाला सीन याद आ रहा है बताइए कौन सी मूवी का है? थोड़ा, सा, think, ब्लर हो गया है थोड़ा मैं छोटा कर दू ठीक है तो बताइए कौन सी मूवी का सीन है ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ओके बट रेडिंग बायसड भी तो हो सकती है हां यार बिल्कुल बायस हो सकता है लेकिन देखो सीधी सी बात आ, अगर रेटिंग बायस्ड होगा तो इतने बड़े अगर जो पूंजीपति लोग बैठे हैं या फिर कैपिटलिस्ट लोग बैठे हैं तो उन लोग तो बेवकूफ नहीं है उन लोग को भी तो सारी खबर मिलती रहती है ना डे बाय डे मिलता रहता है कि किस कंट्री में क्या हो रहा है किस कंट्री में क्या नहीं हो रहा है सपोज किसी कंट्री को उन्होंने दे दिया ए ए दे दिया सपोज की बात है बट वहां देख रहे हैं कि कंडीशन ऐसी कुछ है वहां पर सिविल वॉर शुरू हो गया या वहां पर कुछ अचानक से एकदम बड़ा सा कुछ पैंडेमिक आ गया कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया तो सीधी सी बात है उन लोग वहां पर जाएंगे नहीं अपने हाथ पीछे खींच लेंगे तो वो डिपेंड करता है ये जो रेटिंग्स रहती है वो जारी की जाती है ठीक है चलिए कौन सी मूवी का सीन है भाई ये कोई मिल गया ठीक है ओके आई ला जादू हाँ तो ये जैसे कि वो आवाज आ रहा था वहां से है ना इसमें बोलते हैं ना आवाज आ रहा है देखो एक तो same, एक साउंड साउंड आ आ रहा रहा है करके तो सेम क्या बोलते हैं से, से यानी शुक्र था उसके आधार पर नासा वालों ने क्या किया एक स्टडी किया है और कुछ रिपोर्ट जारी किया है वो कौन कौन से रिपोर्ट थे अपन देख लेते हैं है ना इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अच्छा पहले मैं बता दू की टू से टू के बीच में टोटल इक्कीस यानी टोटल 21 रेडियो तरंग को क्या किया उन्होंने ऑब्जर्व किया और कहा से किया था कैलिफोर्निया का मोजावी रेगिस्तान कैलिफोर्निया जो है अमेरिका का एक बहुत खूबसूरत जगह है वहां पे एक सैट, क्या बोलते हैं रेगिस्तान है है ना जिसको बोला जाता है मोजावे रेगिस्तान और यहीं से क्या किया ये जानकारी इकट्ठा की गई जिसके अंतर्गत माना गया कि जो सेटन है वो कितने डिग्री पर झुका हुआ है टू अर्थ कितने डिग्री पर झुका हुआ है अर्थ का अगर मैं रोटेशन की बात करूं ठीक है अर्थ जो रहता है ऐसे रोटेट नहीं करता अर्थ कैसे करता है लगभग इस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो भी साढ़े तेईस अंश यानी ट्वेंटी थ्री एंड हाफ पर ही बनाया जाता है फिजिकल ज्योग्राफी में पूरा डिटेल में बताने वालों इसको जियोग्राफिकल लेक्चर अटेंड करिए मेरा वहां पर पूरी जानकारी मिलेगी ठीक तो बताया गया जो वीनस है वो कितने डिग्री पर है 2.64 कोई बड़ा डिग्री नहीं है बिल्कुल छोटा सा है, ठीक? फिर बढ़ते हैं, आगे जैसे अगर ये मैं देखूं हा ना आई थिंक विजिबल होगा ये जो घूम रहा है ऐसा इसको हम लोग बोलते हैं है, और एक होता है घूमना ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं ये अपन बोलते हैं परिक्रमण बोलते हैं इसको क्लियर तो ये जो इनके पे जो रोटेशन था वो कितना है ये लगभग 243 है ना यानी दो दिनों के बराबर मतलब बहुत स्लो है सेकंड चीज बोला जो इनका जो है वो कितना है लगभग 7000 थाउजेंड अर्थ का कितना माना जाता है 6970 मतलब उसी के लगभग आसपास है उसी के इक्वल है साथ ही साथ याद रखना अभी स्टेट सर्विस हुआ था छत्तीसगढ़ का उसमें क्वेश्चन आया था ठीक है रॉन्ग मतलब एक स्टेटमेंट था फाइंड करना था सबसे चमकीला ब्राइटेस्ट टाइप का है ना मतलब सबसे जो चमकीला है वो कौन सा ग्रह है तो कौन सा है यही है कौन सा विनस या फिर शुक्र है ना अच्छा ये एक और चीज ये याद करो ये चिंकी मिंकी हो गए क्लियर हाँ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन करेक्ट ठीक है तो ये जो रहता है ये जो दोनों है ना एक है आपकी अर्थ और एक है विनस यानी शुक्र और पृथ्वी इनको क्या बोला गया है जुड़वा बहने बोली गई क्यों क्योंकि दोनों का जो रोटेशन दोनों की जो आ, क्वालिटीज हैं या फिर बोल सकते हो मास वगैरह हो गया लेंथ एंड ऑल वो सारी चीजें क्या रहती हैं लगभग सेम रहती हैं ठीक है तो उसके कारण से इनको बोला जाता है जुड़वा बहने किनको किनको अर्थ को और विनस को यानी पृथ्वी और शुक्र को ठीक है चलिए सर कल लेक्चर होगा क्या देखो जो भी लेक्चर रहेगा उसके बारे में बता दिया जाएगा आपको आप यूट्यूब या हमारे साथ है ना व्हाट्सएप uh, हो गया या फिर टेलीग्राम इसके साथ जुड़े रहिए आपको सारा डिटेल आपको सारा चीज बताया जाएगा डोंट वरी उसके लिए निश्चिंत रहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है है ना कंपोस्टेबल योगा मैट यानी आपका डिकम्पोस्टिबल योगा मैट यानी ऐसा योगा मैट जिसको क्या किया जा सके डिकम्पोज किया जा सके बायोडिग्रेडेबल रहता है ये ठीक है इसका जो इन्वेंशन है किसने किया है असम के जो छह लड़कियां हैं इनका रिलेशन किससे है फिशर फैमिली से यानी मछुआरे समुदाय से ओके तो थोड़ा सा जान लेते हैं वो किस क्षेत्र के बारे में थे कहां से थे क्योंकि जनरली करंट से क्वेश्चन इस टाइप से बनाया जाता है ठीक तो ये जो थे है ना छह जो युवा लड़कियां थी इन्होंने जो योगा मैट विकसित किया है इसका नाम दिया गया है मुरहेन योगा मैट क्या नाम दिया गया है मुरहेन योगा मैट देखो ये सारे जो रिलेटेबल क्वेश्चन मैं बार बार बोलता हूं करंट में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया तो रिलेटेबल क्वेश्चन देगा रिलेटेबल क्वेश्चन बोले तो ऐसे जो किसी ने किसी न चीज से क्या करते हैं हैं लिंक कर जाते ठीक है चलिए टेलीग्राम पर एडवर्ड एजुकेशन ग्रुप में जुड़ा हूं हाँ है जी एडवर्ड नहीं है आप तो नाम ही चेंज कर दिए हाँ वहां पे नोटिफिकेशन आता है ना उसमें बिल्कुल आता है नोटिफिकेशन आता है ठीक है उसमें पता चल जाएगा आगे बढ़ते हैं मुरहेन योगा मैट के नाम से जाना जाता है क्यों जाना जाता है यहां पर एक सेंचुरी है जिसका नाम है दीपोर बिल असम के गुवाहाटी वाले क्षेत्र में एक सेंचुरी है है ना जिसका क्या नाम है दिपोर बिल ओके और यहां पर जो पक्षी जो बर्ड पाया जाता है जिसका नाम है पर्पल मुरहेन क्या नाम है पर्पल मुरहेन उसके नाम के आधार पर क्या किया गया है इस मैट का जो है नामकरण किया गया है ये वो पक्षी है जो कि बहुत खूबसूरत पक्षी वहां पे पाई जाती है है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो तो ये इस पक्षी के नाम पर क्या किया गया है उसका नामकरण किया गया है दिपोर बिल है ना ये कहां पर है ये असम में है असम में मैंने बता दिया गुवाहाटी के पास स्थित है ब्रह्मपुत्र वाली घाटी में और बहुत ही इंपॉर्टेंट वेटलैंड के रूप में जाना जाता है इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेट है ना इंडिया में बहुत सारे जो वेट लैंड है आर्द्र भूमि है जो किसके तहत संरक्षित है रामसर कन्वेंशन के तहत क्या है वो संरक्षित है इसको भी 2002 में किसके रूप में शामिल किया गया था रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया था रामसर राम कन्वेंशन क्या था ये मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं मेरा एनवायरमेंट का अभी वीडियो आने वाला है बहुत ही जल्दी वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी शॉर्ट में थोड़ा सा समझ लीजिए 1971 में

रिकॉर्ड रिकॉर्ड ये record क्या करता है नम भूमि में भी जो सबसे ज्यादा डेंजर कंडीशन में पहुंच गए हैं जो बहुत ही ज्यादा बोल सकते हो कि डेंजरस स्टेट में जा चुके हैं उनको मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के तहत संरक्षित या लिस्टेड किया जाता है चिल्का झील भी इसी रिकॉर्ड के अंतर्गत था बट हाल फिलहाल में उसको हटा दिया गया है है ना आपके दो बच गए हैं इंडिया में एक है आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी जहां पर और एक है आपका लोकटक है ना लोकटक झील कमेंट करके बताइए जो लोकटक झील है ये कहां पर है बहुत ही सुंदर झील है लोकटक लेक है ना यहीं पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लाम जाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है हिंट दे रहा हूं आपको केबुल लाम जाओ जहां पर संगाई हिरण पाया जाता है कमेंट में बताइए किस स्टेट में लोकटक झील यानी लोकटक लेक स्थित है यस कमेंट आ गया है मणिपुर गुजरात में सबसे बड़ा क्या चीज अच्छा हाँ ठीक है नल सरोवर एंड ऑल उसकी बात करो आप बताना है आपको रैमसर कन्वेंशन की तरफ लोकटक जिला कहां पर है सोनी आंसर आ चुका है मणिपुर हवा माइन भाई लोग आपका असली नाम पूछ रहे हैं आप बता दीजिए अक्षय वसल मणिपुर यस करेक्ट आंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब वन लाइनर करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं लगभग एक घंटा हो चुका है, है ना फटाक से ज्यादा समय नहीं है हमारे पास पंद्रह बीस मिनट है तो हम उसमें वन लाइनर करंट अफेयर उसको हम लोग खत्म करेंगे किंग जोंग उन ये हमारे नॉर्थ कोरिया के प्रशासक भी जुड़े हुए हैं किम जोंग सैल्यूट करता हूँ आपको क्या पता मेरे को उड़वा दो तुम ठीक <laughs> है चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग सेवेंथ ऑफ मे सात मई को है ना गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन मनाया गया कौन थे ये ये महान साहित्यकार और दर्शनिक थे ग्रेट फिलोसोफर थे ठीक है इनकी जो इनका जो जन्म था कैलकाटा में हुआ था क्लियर और ये कौन थे इनको दो उन्नीस में, है ना? गीतांजलि नामक एक इनके लेख के लिए प्रकाशन कविता के लिए इनको क्या दिया गया था नोबल पुरस्कार दिया गया था और नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे 1913 मतलब आज से 100 साल पहले मतलब सौ साल से भी ज्यादा पहले की बात है ये 1919 1919 में जब जालियावाला हन हत्याकांड हुआ था तो उस समय इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी कौन सी उपाधि थी कई बार पूछा जाता है कौन कौन सा टाइटल किसका किसका था किसने कौन कौन सा प्रोवोक किया रिवोक किया करके तो ये जो चीजें थी नाइटहुड का जो टाइटल था इन्होंने त्याग दिया था कब 1919 में जो घटना हुई थी कौन सी जालिया वाला बाग हत्याकांड की घटना जो हुई थी अच्छा नहीं सर नहीं उड़ाऊंगा ओके थैंक यू यार सो मच ठीक है आगे बढ़ते हम लोग अगला जो न्यूज है वो है आपका एट मई को क्या मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय क्रॉस दिवस आप में से ऐसे बहुत से लोगों के अभी देखिएगा जो जिला अस्पताल होते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जिस भी स्टेट्स में रहते होंगे छत्तीसगढ़ का मैं बता रहा हूं यहां पर हम लोग बिलोंग करते हैं यहाँ से तो यहाँ के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वहां पर मेडिकल्स होता है इनका कि इनका रेड क्रॉस का स्पेशली जहां पर जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं है ना जेनेरिक जो दवाइयाँ होती हैं उनको लगभग हाफ रेट पे या हाफ से भी कम रेट पे प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जनरली देखो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिला अस्पताल उसको कौन लोग अफोर्ड करते हैं जो लोअर तबके के लोग हैं या फिर जिनके पास पैसा कम है दिहाड़ी मजदूर एंड सीधी सी बात है आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग रहते हैं वो इनको ही प्रीफर करते हैं तो उनकी सुविधा के लिए बट देखो यार वहां पे तो पता नहीं चलता ना तो आप नहीं बता सकते आप गरीब हो कि अमीर हो जो भी व्यक्ति वहां पे जाते हैं तो उनको कम रेट पर क्या किया जाता है दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है हर वर्ष कब मनाया जाता है इसको एट्थ ऑफ मे को क्लियर है इस वर्ष की अगर थीम की हम बात करें तो इनका जो थीम है ना इस वर्ष रेड क्रॉस का वो है आपका unstoppable यानी जिसको रोका नहीं जा सकता ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ ये एक छोटा सा न्यूज़ है हेडिंग है द हिंदू से उठाया गया है है ना तालिबान ने क्या किया है जो आ, अफगानिस्तान का बहुत ही फेमस डैम है है ना सेकंड लार्जेस्ट बोला जाता है दाहला डैम क्लियर दाहला बांध पर क्या कर लिया वो कब्जा कर लिया है सामरिक दृष्टि से अगर देखें हम ये तो अफगानिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र था ठीक है अब बोलोगे सर बांध में क्या रखा है पानी तो रहता है बट ऐसा नहीं है भाई पेंगोंग लेक में क्या रखा है बट है इंपॉर्टेंट ना ठीक है आपका नीचे हम जाए तो कन्याकुमारी में क्या रखा है बट जितने भी वॉटर बॉडीज रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अफगानिस्तान की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट था क्लियर तो तालिबान ने क्या किया वहां पर कब्जा कर लिया है हाल फिलहाल में अगर तीन चार महीने में, में कोई एग्जाम अगर आए तो तो ये तो नहीं पूछेगा कि तालिबान ने किस बांध पे कब्जा किया है बट ये जरूर पूछ सकता है आपको बताने की जरूरत नहीं है ठीक आगे बढ़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. है ना डब्ल्यू एच एन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया है ठीक है ये क्या है कोविड वैक्सीन कहां कर है नाम देख के यहां से पता चली जा रहा होगा ये है ना अजीबो गरीब जो दिख रहा है जो समझना है चाइना है लैंग्वेज तो सीनो का क्या किया गया इसको अप्रूव किया गया है किसके लिए इमरजेंसी यूज के लिए यानी आपातकालीन उपयोग के लिए चाइना के सीनोफॉर्म वैक्सीन को क्या कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया है ठीक अगर हम बात करें कहां पे बना है तो ये बना है आपका बीजिंग बायो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में क्लियर वैसे ये कहां में ये नहीं पूछेगा उतना डीप घुस के देखो इंडिया का पूछा जा सकता है इंडिया का जो कौन कौन सा था मैंने बताया था ये मैं लगभग हर करंट अफेयर में चर्चा में रहता है ये कोवैक्सीन जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके कोवैक्सीन है ना एक है आपका भारत बायोटेक और एक है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो मुझे बताना एक है कोवैक्सीन एक है आपका कोविशील्ड मेरे ख्याल से बहुत से लोग तो लगा भी लिए होंगे और मस्त स्टेटस डालते रहते एकदम ऐसे लगा लगा के यस वैक्सीनेटेड टुडे वैक्सीनेटेड टुडे तो जल्दी से मुझे बताइए तो कमेंट करके कोवैक्सीन कहां पर का है और कोविशील्ड कहां पर का है मैं हिंट दे देता दे हूँ एक है भारत बायोटेक और एक है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जल्दी से बताएंगे क्या मुझे कौन सा भारत बायोटेक का है भाई हाँ जी कमन फॉस्ट जल्दी से देखो ऑटो ऑटो पे चर्चा बाद में करेंगे है ना यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिट रहता है तो जितना हम बता सकते हैं वहां पर वो चीजें शेयर की जाती हैं बाकी चीजें अपन डिटेल में करेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है भारत बायोटेक जो है वो को कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ठीक है बहुत सुंदर सही जवाब ठीक है करेक्ट है भारत बायोटेक है है ना कोवैक्सीन के लिए एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका है आपका कोविशील्ड ओके चलिए करेक्ट आगे बढ़ते हैं बस थोड़ा सा न्यूज रह गए हैं ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वी कल्यानम। वी कल्याणम कल्याणम इनका नाम याद रखना दो तीन चीजों से याद रख सकते हो देखो 99 नर्वस नाइनटीज सचिन तेंदुलकर जी भी 99 पे आउट हो जाते थे ये भी जो महाशय है थे है ना बोल सकते हैं कि एक ग्रेट पर्सन रहे हैं क्योंकि ना महात्मा गांधी हो गए जवाहरलाल नेहरू इन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है पर्सनल सेक्रेटरी रहे है इनके है ना ये निजी सचिव थे पर्सनल सेक्रेटरी थे इनका हाल ही में देहांत हुआ है तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है किसके निजी सचिव थे किसके है ना पर्सनल सेक्रेटरी थे ठीक है तो ये थे किनके महात्मा गांधी के क्या नाम था इनका वी कल्याणम वॉट इट चलिए नेक्स्ट जो हम देखने वाले ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हाल ही में डीजीसीआई डीजीसीआई बोले तो ड्रग कंट्रोल ड्रग ड्रग सॉरी कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है ना ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन्होंने क्या किया है एक टू यानी हम इसको बोले तो टू डी ऑक्सी टू डी क्लोज क्या टू डी ऑक्सी टू डी क्लोज डी क्लोज इसके जो ड्रग होता है ड्रग मतलब एक दवाई है ये वैक्सीन नहीं है इसके उपयोग के लिए क्या कर दिया है मंजूरी दे दी है इसको किसने बनवाया है या किसने इन्वेंट किया है? इसको DRDO ने ठीक है ये क्या है 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 एक एंटी कोविड ड्रग देखो कई बार क्वेश्चन आपको पूछा जाता जैसे कि रेमडिसविर वो इंजेक्शन है है ना अगर मैं बात करूं इसकी टू डी ऑक्सी टू डी क्लोज की तो ये क्या चीज है ये आपका ड्रग है हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था है ना कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन वो क्या था आपका आपका वैक्सीन था वो तो वो याद रखना है कि कौन सा ड्रग है कौन सा वैक्सीन एंड ऑल ठीक तो इसको क्यों लाए? इसको देखा गया है कि ये जो क्या कर रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित जो मरीज है उनमें जो रिकवरी रेट है वो फास्ट है मतलब इनका जो रिकवरी रेट है वो क्या कर रहा है थोड़ा सा बाकी दवाइयों के कंपैरिजन में जैसे बहुत सारा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन करके भी आया था ठीक है पीसीएम भी लिया जाता है तो उन सब से थोड़ा इसका रिकवरी रेट क्या दिखाया जा, दिखा जा रहा है फास्ट दिखाया जा रहा है साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम रहती है है ना जो मैंने बताया था हाइपोक्सिया तो हाइपोक्सिया जैसे प्रॉब्लम से भी क्या कर रहा है थोड़ा सा लड़ रहा है मतलब कहीं ना कहीं क्या है ये बेनिफिशियल है ऐसा माना जा रहा है कौन इसको इन्वेंट किया है डी आर डियोने ठीक है चलिए ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कई बार पूछा जा सकता है अगर हाल ही के कुछ एग्जाम होगा तो स्पोर्ट्स का मैं बार-बार बोलता हूं आप ज्यादा मत करिए टू करिएट मंथ का करिए है ना क्योंकि देखो जैसे सपोज अगर फ्रेंच ओपन टेनिस की बात हो गई या फिर आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो गई बहुत सारे कोई सा भी आप उठा के देख लो अगर एक बार हो गया फिर आप की सर दो तीन साल का याद रखेंगे तो सब बहुत कम होता है जब पूछा जाता है ना के बराबर रहता है जनरली जो करंट ईयर है जो चल रहा है उसका पूछा जाता है तो मैनचेस्टर सिटी ने हाल ही में जो जीता है प्रीमियर लीग है ना तो पिछले चार सीजन में ये थर्ड टाइम्स क्लियर पिछले सीजन सीजन में सॉरी ही इसने तीसरी वाली टाइटल गेन किया है ठीक तो कौन था ये मैनचेस्टर सिटी ये जो आपका डिटेल्स जिन्होंने स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट होगा वो पूरे डिटेल में इसको देख सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी टीम है जो जीती है ठीक लास्ट हम देखने वाले हैं हाल ही में ताहेरा कुतुबिन सॉरी कुतुबुद्दीन इनको क्या किया गया है एक अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का नाम है शेख जायद बुकर पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार ठीक और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली मतलब इस अवार्ड को है ना लेने वाली ये कौन है ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला है ये क्लियर कौन सा पुरस्कार शेख जायद बुक पुरस्कार क्या नाम है महिला का नाम है ताहिरा कुतुबुद्दीन और किसके लिए दिया गया इसको अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन क्लियर क्या नाम है अरबी ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए इसको दिया गया है ठीक है पुरस्कार का नाम है शेख जायद बुक पुरस्कार. चलिए आगे बढ़ते हम लोग अनुपम खेर जी को है ना अनुपम खेर जी को शॉर्ट फिल्म कौन सा हैप्पी बर्थडे के लिए क्या दिया गया है अवार्ड दिया गया है कौन सा अवार्ड है ये न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड याद रखना इंडिया का नहीं है ये है ना न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड किसके लिए इनकी एक शॉर्ट में थी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके एक बार चेक करिए और, और ये एफ एन पी मीडिया जो रहता है प्लेटफॉर्म जो रहता है ठीक है एफ एन पी ने क्या किया था इसको बनाया था ठीक तो वैसे मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं पूछा जाता डायरेक्टर पूछ सकते हैं ना किसमें अवार्ड मिला था वो पूछ सकते हैं किनको मिला था वो पूछा जा सकता है तो किनको मिला था ये अनुपम खेरजी को मिला था ठीक है तो ये था आपका आज का वीकली करंट अफेयर उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा है ना आपको मजा आया होगा अगर जैसे कि आपने मैंने पोल कराया था तो उसमें आप सभी ने कर, बताया था कि अपन 50 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं तो बिल्कुल रेडी रहिए इसके बाद एक और करंट अफेयर आएगा इस मंथ का और जब मंथ एंड हो जाएगा तो वहां पर हम पूरे मई मंथ का यानी पूरे मई में महीने का क्या लाएंगे एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर्स लाएंगे क्योंकि देखो यहां अगर मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो हो सकता है वो थोड़ा सा ज्यादा सेशन लंबा चला जाए है ना तो सवा घंटा डेढ़ घंटा से ज्यादा भी मेरे को पता है कि है ना ये चीज अपन ज्यादा बियर नहीं कर सकते तो अपन क्या करेंगे पहले यहां पे पढ़ लेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसको एम एन ए के फॉर्म में मंथली है ना न्यूज एनालिसिस के फॉर्म में उसको अपन स्टार्ट करेंगे साथ ही साथ अभी मेरा सेवन पी एम पे ठीक है अल्टरनेट डेज पे लेक्चर्स आ रहे हैं अभी जैसे कि आज सैटरडे हो गया सैटरडे पे आता है करंट अफेयर्स ठीक है फिर मंडे हो गया फिर वेनसडे हो गया सिद्धार्थ सर की भी रीजनिंग की क्लासेस पैरेलल चली रही हैं तो जो भी क्लासेस रहेंगी वो उनका अपडेट दे दिया जाएगा ज्योग्राफी है वो कंटिन्यू रहने वाला है अभी वीक में एक बार है कोशिश करेंगे उसको अपन दो बार करने का साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं इन्वायरमेंट का शुरू करूं या फिर स्टैटिक जी स्ट्रैटेजी जीके जैसे कि हम बात करें जैसे मैंने उस दिन बता रहा था जैसे अवार्ड्स का हो गया डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स हैं उसको अपन लेके बना सकते हैं या फिर हम जैसे कि युद्धाभ्यास में इलेक्ट्रिक एक्सरसाइज उसको लेके बना सकते हैं जीके में टेम्पल्स हो गए प्लेसेस हो गए उन पर क्वेश्चन बना सकते हैं वो रहता है स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आता है दूसरा है इन्वायरमेंट अब देखो जो भी क्लासेज होंगी लाइव क्लासेस होंगी लाइव मतलब मान के चलिए एक से डेढ़ घंटा सवा घंटा तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है उस हिसाब से आपको है ना मेंटालिटी बनानी है तो आप बताइए कि एनवायरनमेंट की क्लास लेके आऊं या फिर स्टैटिक जीके हफ्ते में एक बार होगी वो क्लासेस ठीक है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कौन सा जीके सर अक्षय बंसल स्टैटिक जीके और बाकी लोग बताइए फास्ट कौन सी क्लास लेके आनी है उसके हिसाब से है ना अगर अभी नहीं बताया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसके हिसाब से मैं प्लान करूंगा और ये क्लासेस आपकी रेगुलर आएंगी ठीक तो ये था आपका करंट अफेयर इसको जोरदार तरीके से सेशन करिए कमेंट्स करिए लाइक करिए ठीक है तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया नमस्कार ख्याल अपना और अपनों का थैंक यू सो मच